Hello, I welcome you all to Defense Info once again, a one-stop solution for all your defense needs. So as requested, काफी लोगों ने मुझे बोला था कि that I should be sharing my AFSB experience, that how I got recommended in my 7th attempt and 9th attempt respectively. तो what different I did, काफी लोग मुझे पूछते हैं सर, tell me the secret mantra, you know, secret formula कि कैसे आप recommend हुए अचानक से, because the earlier 6 attempts I was 3 times conference out, 3 times screen out. तो एक अंदर से रहता है कि सर अचानक से कैसे हो गए ये, ठीक है, आपने क्या ऐसा अलग किया, ठीक है, एंड व्हाट मिस्टेक्स आई मेड प्रीवियसली, राइट, बिकॉज वी हैव टू एनालाइज द मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू सक्सीड. अगर हम मिस्टेक्स को ही एनालाइज नहीं करेंगे और उनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो देर इज नथिंग दैट वी कैन अचीव इन लाइफ, ठीक है. सो देर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज, यू नो, आई अर्ज नॉट टू फॉल फॉर इट. ये क्लिक बेट काफ़ी ऐसा करते हैं ये लोग कि सीक्रेट मंत्रास देख लो, यू नो, स्पेशल कुछ ट्रिप्स देख लो, ये देख लो. तो इन लाइफ जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आप अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे तो हार्डवर्क के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, ठीक है. यस, लक इज देयर, बट अगेन लक कब आता है वो बात कहते हैं, मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो वो ब्रेव को ही फेवर करता है. तो अनलेस एंड अनटिल यू आर वर्किंग हार्ड, यू कैन लाइक नथिंग, यू कैन अचीव नथिंग इन लाइफ, ठीक है. बी इट इन डिफेंस फोर्सेज, बी इट इन एनी फील्ड, आप किसी में भी हो, प्राइवेट सेक्टर में हो आप, कहीं PSU में हो, कहीं पे भी हो, बैंक में हो, कहीं भी, किसी भी सेक्टर में आप ले लीजिए करियर में, आप कभी भी जो है सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है. तो कीपिंग दैट इन माइंड, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग यू दिस वीडियो एंड माई पर्पज ऑफ दिस, यू नो, शेयरिंग दिस वीडियो इज नॉट जस्ट टू जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैंने ऐसे ही कर दिया, बट आई बिलीव दैट देर इज अ लॉट टू लर्न from one's experiences, from each other's experiences, because even when I go to others SSB, ठीक है, जब मैं भी SSB कर जाता हूँ, ठीक है, या कभी विजिट करता हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं एंड आई इंटरेक्ट विद दैम एंड इन फैक्ट वी ऑल इंटरेक्ट विद ईच अदर. क्यों? क्योंकि बस ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना एक दूसरे के, कि हमने क्या गलती की पिछले बार, कि हमने क्या किया, इन्हीं चीज़ों से जो हमें सीखने को मिलता है, ठीक है. बिकॉज लाइफ इज नॉट वेरी बिग, यू नो, लाइफ इज शॉर्ट टू मेक टू मेनी मिस्टेक्स. तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेज ऑल्सो एंड दैट इज द पर्पज ऑफ शेयरिंग माई वीडियो, कि मैं यहाँ पे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो गलती की आई डोंट वॉन्ट दैट यू गाइज शुड ऑल्सो डू, बिकॉज आपका जितनी जल्दी पहले होगा इट विल बी बेटर फॉर यू. मैं नहीं बोलता आप भी 7th अटैम्प्ट में हो, 9th अटैम्प्ट में, ऐसा कुछ नहीं है, बट मिनिमाइज द मिस्टेक्स, उसको पहले आप पकड़ लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा. तो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इसमें हम यही बात करेंगे जिसकी मैंने कैसे प्रिपरेशन की एंड व्हाट ऑल थिंग्स डिड आई लाइक डू दिस टाइम व्हिच वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस अटेम्प्ट्स, ठीक है. तो मैं इसमें कोई सीक्रेट स्टेप्स आपको, कोई सीक्रेट मंत्र नहीं बताऊंगा, ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद लाइक, अगर मैं पहले आपको बताऊँ मेरे बारे में कुछ, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मेरे बारे में कुछ जानें, बिकॉज मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आई एम ऑन द अदर साइड, यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द डिवाइस, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता लगेगा. तो बिफोर दैट मुझे आप मेरे बारे में जान लीजिए. तो मैंने जो है बीटेक की थी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, आई एम ग्रेजुएट इन दैट एंड आई हैव क्वालिफाइड जस्ट लाइक एनी अदर एस्पिरेंट CDS, AFCAT एंड प्लेसमेंट एग्जाम्स जो भी होते हैं मल्टीपल टाइम्स. आई गॉट रिकमेंडेड 2 times from AFSB and I also have a black belt in karate and my hobbies are, I love to play football, badminton and involved in all the sporting activities. So this was in brief like mere bare mein about as a person I am. So isse aage chalte hain. Now this attempt was AFCAT 1 2019, theek hai, जिसका कोर्स स्टार्टिंग था जनवरी 2020 में, जिसका कोर्स कमेंसिंग था, ओके. नाउ इसमें मेरे मार्क्स जो थे 161 थे एंड आई डिड नॉट क्लियर द EKT. हैड आई क्लियर्ड इट तो मैं शायद सभी एकेडमी में होता प्रोबेबली, बट दैट इज़ व्हाई आई सजेस्ट कि आप जो भी टेक्निकल गाइज हैं प्लीज़ क्लियर द EKT पार्ट, आई एम अर्जिंग यू. क्योंकि नॉन टेक पार्ट में जो होता है ना, आप जब ग्राउंड ड्यूटी सिर्फ नॉन टेक्निकल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स है, ठीक है, तो उसमें बहुत कंपटीशन हाई हो जाता है,
मेरिट के चक्कर में, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आते हैं, बहुत हाई स्कोरिंग करते हैं, देन यू हैव टू यू नो डिपेंड ऑन योर AFSB और नॉट, फिर यहाँ पे लक काम करता है. तो इट इज़ नॉट दैट कि आपके कम मार्क्स है तो यू विल नॉट गेट मेरिट एंड और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, आई लीव अ लिंक टू इट, जब मैंने डिस्कस किया था AFSB का सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए. ठीक है, तो आपको राइट हैंड टॉप कॉर्नर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना आप एक बार. बाकी ऐसा नहीं है कि आपको कम मार्क्स में भी होगा, बट ऐसा है कि आप जितना हाई स्कोर करोगे उतना अच्छा है. सो हेयर आई वॉज ओनली हैविंग ऑप्शंस फॉर नॉन टेक ग्राउंड ब्रांच फॉर द ADM एंड लॉजिस्टिक्स पार्ट. ठीक है, ADM एंड लॉजिस्टिक्स पार्ट, बाकी मेरा EKT क्लियर नहीं था तो आई वॉज नॉट एलिजिबल. सो दिस बीइंग अबाउट माई मार्क्स, नाउ when I go to the AFSB date and place, now when the seat selection was enabled, I chose the third batch. I still remember third batch था वो, ठीक है, क्योंकि April से starting थे and my batch was from 22nd to 26th of April 2019, so it was almost a year back. And the place I chose was Varanasi, obviously because I reside from West Bengal, तो मेरे लिए काफ़ी जो है distance less था, तो that is why I chose. Okay, and now I'll come to the screening part. तो 22nd अप्रैल मैंने रिपोर्ट किया वहाँ पे, ठीक है, एट 6 AM जो कि रहता है वहाँ पे नियर रेलवे स्टेशन एट प्लेटफॉर्म नंबर 9, आपको पता होगा ऑल दोज हु हैव बीन टू वाराणसी. बाकी वहाँ पे फिर जब भी हम पहुँचे तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड इट वेंट फॉर फर्दर 1-1.5 to 2 hours. ठीक है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत जो बेसिक चेक होते हैं एंड मीनवाइल उसी के बीच में जो है हमें ब्रेकफास्ट भी मिल गया था. नाउ अब वहाँ से जब हमें सेग्रीगेट कर दिया गया डिफरेंट पार्ट्स में कि जो फ्रेशर्स हैं, रिपीटर्स हैं, यू नो, तो इनको अलग अलग हमें सेग्रीगेट कर दिया गया था. नाउ एंड वी वर मेड टू सिट इन हॉल फॉर OIR एंड PPDT टेस्ट. आपको पता है स्क्रीनिंग में दो टेस्ट होते हैं. नाउ व्हेन आई कम टू द OIR टेस्ट, OIR टेस्ट वेंट वेरी वेल, क्योंकि OIR टेस्ट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. अगर आपका रीजनिंग अच्छा है, एप्टीट्यूड अच्छी, तो एक नॉर्मल एवरेज बंदे का अच्छा सा जाएगा. नाउ अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन देयर एंड जो टोटल टाइम मिला था पर्टिकुलर दो टेस्ट के लिए, एक होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल, यू मे बी नोइंग आप जो भी गए हैं एंड तो उसमें क्या मिला था, हमें 25 मिनट्स ईच करके मिला था, तो दैट वॉज सेल्फ लाइक बहुत सफिशियंट था. ठीक है, नाउ OIR टेस्ट तो बहुत अच्छा गया. नाउ इट वॉज जो किसकी बारी थी, अब जो थी PPDT की. अब क्या हुआ कि हमें PPDT के लिए बिठाया गया वापस से एंड PPDT के लिए क्या हुआ, अब हमें जो ब्रीफिंग मिला था जो साइकोलॉजिस्ट वहाँ के, तो ही ब्रीफ्ड अस अबाउट ऑल द जो भी इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल एंड आफ्टर दैट जो डिम लाइट करके हमें दिखाई गई पिक्चर. अब जो पिक्चर दिखाई गई थी वहाँ पे, इट वाज नॉट वेरी हेजी, क्योंकि मैंने काफ़ी बोर्ड में ही देखा है कि बहुत ज़्यादा हेजी पिक्चर दिखाते हैं, स्पेशली इन द आर्मी बोर्ड्स आई विल से. बट यहाँ पे हमें हेजी पिक्चर दिखाई गई थी, बट इट वॉज लाइक ऐसा है कि पार्शियली क्लियर थी, मतलब पता लग रहा था कि उसमें क्या है, कितने कैरेक्टर्स हैं, कुछ एक मतलब पर्टिकुलर हमें पता लग रहा था. तो आई रोट अ स्टोरी अकॉर्डिंगली इन 4 मिनट्स. नाउ द पार्ट देयर इट वॉज ओवर. अब क्या हुआ, अब जब टेस्ट कंडक्ट हो गया था, ओके, तो हमें क्या है जो डिस्कशन रूम की तरफ ले गया, मतलब ले गया वहाँ पे. नाउ अब वहाँ पे क्या थे कि हमें ग्रुप में डिवाइड किया गया, 15 से 18 का ग्रुप था, ओके, ऑन एन एवरेज फॉर ग्रुप डिस्कशन. अब हमें वहाँ पे जाके रूम में बिठाया गया एंड वी वर ब्रीफ्ड अकॉर्डिंगली. वहाँ पे 3 SSRs बैठे थे. नाउ 1 by 1 इंडिविजुअल नरेशन स्टार्टेड. यू मस्ट बी नोइंग कि जो स्टोरी होती है हमें वो नरेट करनी पड़ती है इंडिविजुअली एड्रेसिंग द ग्रुप एंड देन द डिस्कशन टुक प्लेस. तो अब क्या हुआ, वाइल माई नरेशन, वन आई वॉज गिविंग माई नरेशन, आई कॉन्फिडेंटली एड्रेस द ग्रुप. मेरी जो मतलब नरेशन थी, मैंने वो ग्रुप की तरफ एड्रेस करके की एंड हेयर आई वुड लाइक टू मैंशन वन थिंग, कि रिफ्रेन फ्रॉम यू नो सींग हेयर एंड देयर और वॉचिंग द एसेसर्स की वो देख रहे हैं कि नहीं एंड ऑल, बिकॉज दिट पुट्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट. तो आपको बोला गया कि ग्रुप को एड्रेस करना है, तो आप ग्रुप की तरफ बोल के ही सबको बोलिए अपनी स्टोरी एंड यू शुड बी वेरी यू नो कॉन्फिडेंट. आपका वॉइस में वो दम होना चाहिए एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वो स्पीक करना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट से बोल रहे हैं. ठीक है, मतलब पता लगना चाहिए कि बंदे में दम है ऐसा. नाउ वाइल आई वॉज फिनिश्ड विथ माई नरेशन, तो अब डिस्कशन स्टार्ट हुआ. डिस्कशन में एज यूजल फिश मार्केट स्टार्ट होती है, तो ये तो काफ़ी यूजअली है वहाँ पे कि आपको फिश मार्केट होता ही है. बट
टू माई फॉर्चून द ग्रुप वॉज वेरी कोऑपरेटिव एंड यू वोंट बिलीव कि ऐसे ग्रुप बहुत कम ही मिलते हैं. यू नो ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, तो यू माइट जस्ट से कि वो लक था या जो भी था या ग्रुप कोऑपरेशन था, बट एवरी वन वॉज वेरी कोऑपरेटिव. उनको भी पता था, वो भी काफ़ी टाइम के रिपीटर्स थे, 10-15 टाइम के रिपीटर्स आए थे, तो दे ऑल्सो न्यू कि फिश मार्केट करके कोई फ़ायदा है नहीं. लेट अस स्पीक वन बाय वन और सबको बोलने का एक एक मौका दो, एक एक दो दो पॉइंट जो भी सब रख सकते हैं, तो दैट वुड बी गुड. और ये जो डिस्कशन है ना, ये अगर आप पहले ही थोड़ा बहुत अपने में कर लो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना लो, तो आई वुड से कि वो ज़्यादा सही रहता है एंड चांसेस ऑफ गेटिंग स्क्रीन इन फ्रॉम दैट ग्रुप इंक्रीजेज ऑल्सो. ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरी वन स्पोक इन दैट ग्रुप एंड स्क्रीन इन भी काफ़ी हुए थे, आई टेल यू, उस ग्रुप से. तो मैंने भी जो है कॉन्फिडेंटली काफ़ी दो तीन बार बोला, अपने पॉइंट्स रखे, लॉजिकल पॉइंट्स, एंड एवरीवन अग्रीड टू इट. एंड एट लास्ट अ कॉमन स्टोरी वाज नरेटेड बाय वन ऑफ ग्रुप मेंबर्स. तो ऑल इन ऑल द ग्रुप डिस्कशन एंड ओआईआर स्क्रीनिंग का मेरा जो पार्ट था, इट वेंट वेरी वेल एंड वाज कॉन्फिडेंट कि मैं स्क्रीन इन हो जाऊंगा. नाउ कम्स द स्क्रीनिंग रिजल्ट्स, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है कि आप पहले दिन ही घर जा रहे हो कि आप रुक रहे हो बाकी 5 दिन के लिए. नाउ हमें जो है बाहर ही स्टैंड करने के लिए, वहाँ पे बाहर स्टैंड करने के बोला गया, क्यू में, आउटसाइड द रूम. तो अब क्योंकि वाराणसी में वो हॉल में नहीं बिठाते हैं एंड डायरेक्टली दे जस्ट टेल यू द रिजल्ट्स, सो दैट टाइम उनका भी बच जाए, जल्दी जल्दी से हो जाए प्रोसेस. तो आफ्टर सम टाइम द ऑफिसर केम, जो वहाँ पे ऑफिसर है, विद अ स्लिप, एक उनके पास पर्ची टाइप थी. तो उन्होंने चेस्ट नंबर, अब बोला कि स्क्रीन इन जो भी होगा उसका चेस्ट नंबर वो राइट में खड़ा हो जाएगा एंड ऑल. तो उन्होंने फिर चेस्ट नंबर लेने के जो नाम है वो स्टार्ट किए एंड मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं हो जाऊंगा. तो मैं हो गया स्क्रीन इन, उन्होंने मेरा चेस्ट नंबर लिया एंड आई वाज स्क्रीन इन फॉर स्टेज 2 टेस्टिंग एंड आई वाज हैप्पी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. तो आई गॉट स्क्रीन इन एंड वाज अलॉटेड चेस्ट नंबर 44. आपको मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा. एंड देन द वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेन टुक प्लेस, यू नो 10-12 ग्रेजुएशन एंड ऑल, यू नो योर सब कुछ जो भी होता है चेक करते हैं वो लोग. Now, after we were done with all the documentation process and everything was over for that day, हमें जो है rooms allot किए गए and I was allotted the Sukhoi room. आपको अगर पता होगा AFSB में जो rooms allot होते हैं वो aircrafts and you know fighter aircrafts, इन सब के नाम पर रहते हैं. तो हमारा जो group था वो था chest number 37 से chest number 46, जो कि हमें allot हुआ था Sukhoi room में. And हमने मतलब ऐसा लग रहा था we were just brothers from another mothers. तो हम लोग बिल्कुल एक साथ अपने आप, यू नो वी डिड नॉट इवन टेक लाइक टुक अ टाइम कि हमें इंट्रैक्शन करना चाहिए एंड ऑल. मतलब ऐसा था कि भाई मिल रहे हैं सब एक दूसरे के, है ना, काफ़ी दिनों के बाद पिछड़े, तो ऐसा था मतलब हम बहुत जल्दी एक साथ हो गए. नाउ वी आर मेड टू कम एट 6. आफ्टर दैट कुछ देर के लिए रेस्ट देने के बाद, यू नो बाय 4-4:30, यू नो द प्रोसेस यूजुअली गेट्स ओवर बाय फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड देन आपको रूम अलॉट होता है 5 बजे तक एंड देन यू आर गिवन सम रेस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स एंड अगेन 6 पे आपको इवनिंग पे साइकोलॉजी टेस्ट के लिए वहाँ पे आपको पहुँचना पड़ता है, क्योंकि AFSB जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है वो स्क्रीनिंग के दिन ही होता है, अनलाइक यू नो आर्मी SSB जहाँ पे वो बाद में लेते हैं एक फ्रेश डे पे फ्रेश स्टार्ट. तो अब इंस्ट्रक्शंस हमें दे दिए गए थे SSR से एंड द टेस्ट वॉज कंडक्टेड एज यूजल. आई अटेम्प्टेड ऑल द 12 टैट्स, 60 वैट्स एंड 40 SRTs, बिकॉज SRT मेरे से एक्चुअली पूरी कंप्लीट हो नहीं पाती है, नो मैटर हाउ मच आई प्रैक्टिस एंड ऑल, आई डोंट नो, क्योंकि बस मेरी स्पीड राइटिंग बोल लो आप जो भी, बट मैं 40 SRTs ही कर पाता हूँ. हाँ, बट जो भी है कि मैं फोकस करता हूँ क्वालिटी के ऊपर एंड आई डोंट फोकस ऑन क्वान्टिटी कि मेरे को जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है. बट जो भी मैं लिखता हूँ टू द पॉइंट लिखता हूँ, सही लिखता हूँ वहाँ पे. तो उसके बाद और मैं जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है आपका लास्ट में, तो वो मैंने प्रिपेयर किया था पहले से ही घर पे, क्योंकि देर इज़ नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग एंड देन राइटिंग देयर, क्योंकि आपके पास जस्ट 15 मिनट्स होते हैं इफ़ यू नो सेल्फ डिस्क्रिप्शन के लिए, तो आप सोचोगे फिर लिखोगे आप कितना लिख पाओगे. तो इट इज़ लाइक एडवाइजेबल कि आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएँ, जस्ट कीप द पॉइंट्स आपके मन में कि क्या क्या पॉइंट्स है. आई एम नॉट टेलिंग यू टू मग अप, बट आप वो पॉइंट से फिर आप उसको लिख देना. दिस इज़ हाउ यू नो आई डिड द सेल्फ डिस्क्रिप्शन स्पेशली. नाउ साइकोलॉजी वॉज कम्प्लीटेड, साइकोलॉजिकल टेस्ट बाय 8:39. यू नो इट इज़ अ स्ट्रेनस प्रोसेस, यू नो आपको कोई बीच में ब्रेक नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता. एंड देन वी हैड डिनर एंड वी वेंट ऑफ टू स्लीप दैट डे. तो उसके बाद क्या हुआ था, और उसी दिन पे जब वी वर हैविंग डिनर्स एंड ऑल, तो हमारा जो है शेड्यूल जो था इंटरव्यू के लिए, इट वॉज देयर एट द नोटिस बोर्ड
एंड द टाइमिंग वॉज टोल्ड कि कौन से चेस्ट नंबर का कब होने वाला है, टाइमिंग्स क्या है. नाउ एज माई इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड अ डे आफ्टर, मतलब उसके दूसरे दिन था, मतलब एक दिन फ्री था मैं बीच में, फिर तीसरे दिन पे था टू बी प्रिसाइज. सो आई गॉट वन डे फ्री. अब मेरे लिए वो सेकेंड डे तो फ्री था पूरा. तो अब क्या किया हमने कि अदर जो कैंडिडेट्स जो भी फ्री थे, क्योंकि हमारे जो चेस्ट नंबर थे वो बाद के ही अलॉटेड थे इंटरव्यूज़ में, तो वी ऑल डिसाइडेड टू गो आउट टू एन्जॉय द डे, क्योंकि सारा दिन बैठ के क्या करते हैं वहाँ पे. तो आफ्टर द बुक आउट एंड ऑल वी विजिटेड द अस्सी घाट्स. यू मस्ट विजिट हुएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू वाराणसी एवर, तो यू मस्ट विजिट द अस्सी घाट्स, द टेम्पल्स, काशी टेम्पल एंड ऑल. लाइक इट इज़ वेरी, यू नो, आई वुड से पायस एंड यू वुड फील डिफरेंट ऑल टुगेदर. आपको अलग सी फीलिंग आएगी. द सीक्रेट टेम्पल्स हैड लस्सी, स्वीट्स, दे वर लाइक रियली अमेजिंग एंड एन्जॉयड एज इफ वी वॉन सम ट्रिप. ऐसा लग रहा था कि हम SSB के लिए आए नहीं थे, ये कोई गोवा ट्रिप थी. एंड दिस इज़, यू नो, द ब्यूटी ऑफ द आई वुड से SSB बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, जहाँ पे यू नो डिफरेंट पीपल दे कम टुगेदर. आप जो किसी को जानते नहीं हो, पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड देन यू गेट अलॉन्ग, यू गो टू places, you enjoy. That is, you know, how life should be. तो like आप कोई भी SSB board में जाओ, don't, you know, forget to go to like visit बाहर कहीं, enjoy the stay, you know. Now this was a photo जिसकी मैं बात कर रहा था, you know, group photo. ये काफ़ी लोग, मतलब like these are the memories I believe that, you know, one carries after you know you are exhausted with all these things and all. एक समय आता है लाइफ के उसमें, आपके करियर में या मे बी आपके उसमें, कि यू गो बैक विद दीज फोटोज एंड यू जस्ट थिंक कि कैसे दिन थे ये भी, है ना. तो आई वुड श्योरली से कि आप एक फ़ोटो जब भी बनती तो आप अपने पास रख लीजिएगा. ओके एंड हेयर आई वॉज चेस्ट नंबर 44. तो यहाँ से हमारे ग्रुप से काफ़ी रिकमेंड हुआ था. आई विल से चेस्ट नंबर 41 रिकमेंड हुआ था, 45 रिकमेंड हुआ था, 55 रिकमेंड हुआ था, 47 रिकमेंड हुआ था. 5 ऑफ अस गॉट रिकमेंडेड. तो दैट इज़ नॉट अ थिंग यहाँ पे कि कौन रिकमेंड हुआ था, ऑल दो जस्ट आई एम टेलिंग यू. तो दिस वॉज अ ग्रुप एंड इट वॉज वन ऑफ द, यू नो, बेस्ट ग्रुप्स आई हैव एवर कम अक्रॉस. नाउ गोइंग टू माई इंटरव्यू. नाउ आई विल से कि इंटरव्यू में यू हैव टू परफॉर्म वेरी गुड, वेरी वेल. यू हैव टू नो योर सेल्फ, योर इनसाइट लाइक वेरी थरोली, बिकॉज इंटरव्यू इज ना वेरी स्कोरिंग आई वुड से. और अगर आप इंटरव्यू सही से कर लेते हो ना, तो योर चांसेज ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड इट इंक्रीज इज मेनी फोल्ड्स. नाउ माई इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड एट 10 AM ऑन द थर्ड डे एंड आई रीच ऑन टाइम. पहले से ही मैं वहाँ पर पहुँच चुका था. हाउएवर आई हैड टू वेट फॉर अबाउट एन आवर बिकॉज जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था वो प्रोसेस ही थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था. तो देवर अदर कैंडिडेट्स हुआर बींग इंटरव्यूड बिफोर मी. नाउ जितनी देर हम रुके थे उतनी देर हम लोग और जो भी कैंडिडेट्स है इन द कैंडिडेट वेटिंग रूम, वी वर डिस्कशिंग अबाउट, यू नो, जियो पोलिटिकल इशूज एंड ऑल. एंड एक्चुअली इसमें क्या हेल्प क्या होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है एंड मे बी आपको कोई इशू पता भी नहीं रहता, तो वो आप क्लैरिफाई कर सकते हो अपने फ्रेंड से. मे बी दैट क्वेश्चन माइट जस्ट बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू. तो ये चीज़ें क्या होती है, जस्ट आपको हेल्प आउट कर जाती है और कुछ नहीं. एंड इट गिव्स यू ओपिनियन ऑल्सो. नाउ फाइनली माई टर्न केम एंड आई वॉज आस्क्ड टू सबमिट माई फाइल, क्योंकि AFSB में जो होता है आपको फाइल सबमिट्स करनी पड़ती है. आपको पता होगा कि आपकी फाइल पहले ले ली जाती है आपको बुलाने से पहले, एंड देन आफ्टर 5-10 मिनट्स यू आर कॉल्ड, क्योंकि वो आपके सर्टिफिकेट्स एंड ऑल ये सब देखता है. तो आपके पास जितने भी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जस्ट कीप देम इन द फाइल सो दैट ही कैन हैव अ ग्लांस. ऑल दो इफ यू डोंट हैव इट, तो ऐसा नहीं है कि आप PIQ में मेंशन नहीं करें एंड ऑल, बिकॉज सर्टिफिकेट्स लाइक बस वो एक कागज़ का, वो और कुछ नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास है वो. तो जो इंटरव्यू है ना, वो आपसे जब पूछेगा तो वो आपसे पूछकर ही समझ जाएगा कि आपने वाकई में वो किया है कि नहीं. तो डोंट बॉदर अबाउट दैट, बट इफ़ यू हैव जस्ट अटैच इट, इट विल बी एड ऑन, नथिंग एल्स. नाउ आई वॉज फाइनली कॉल्ड इन एंड दैट वॉज गोइंग टू बी माई 4th कॉन्फ्रेंस. ओके एंड आफ्टर ऑल दीज अटेम्प्ट, यू नो, आई हैड दिस थिंग इन माइंड. अब तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ ही गया है, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होता था, तो इस मैंने नर्वसनेस पे जो है काम किया था. एंड आई वेंट इन ग्रीटिंग द असेसर. द असेसर मेड मी कंफर्टेबल एंड मेड मी सिट डाउन देयर एंड स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम माय PIQ. तो जो भी क्वेश्चंस नॉर्मली रहते हैं, टिपिकल, यू नो, बराज ऑफ क्वेश्चंस कि कहाँ से आ रहे हो, ये वो, आपका 10-12 मार्क्स उससे स्टार्ट करो, फ्रेंड सर्कल फैमिली एंड ऑल, जो भी PIQ से टिपिकल क्वेश्चन रहते हैं, उन्होंने वही स्टार्ट किया मेरे से. एंड ही
जितने भी क्वेश्चन उनको उनको बन सकते थे उन्होंने पूछे, एंड आई आंसर्ड वन बाय वन, सबको आंसर किया मैंने. एंड वाइल आंसरिंग आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विथ माई आंसर्स, क्योंकि पहले मैं क्या हो रहा था कि थोड़ा पहले अटैम्प्ट में फंबल कर जाता था. आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई आंसर ओनली, तो आई रियलाइज दिस थिंग कि अगर मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ तो सामने वाले जब मैं एक आदमी को बता रहा हूँ तो हाउ कैन ही बी श्योर, है ना? तो उसको खुद ही लगेगा कि इस लड़के को तो खुद ही में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये मेरे को क्या बता रहा है ऐसा करके. तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दिस टाइम, क्योंकि मैंने यहाँ पे घर पे अपने प्रैक्टिस की थी अपने दोस्तों के साथ एंड ऑल, कि हाउ माई इंटरव्यू शुड गो ऐसा करके. तो मैं लिख लिख के वो चीज़ प्रैक्टिस करता था हर चीज़ की, ये होगा तो ये क्यों होगा, इस पे होगा तो फिर इस पे कैसा होगा. तो मैं ये लिख लिख के हर चीज़ ना अपने पे वो करके टेस्ट करके लिखता था. एंड आई जस्ट फिल्ड वन डायरी, कंप्लीट डायरी, राइटिंग माई इंटरव्यू सेशंस एंड ऑल, मतलब ये करके सिर्फ. तो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर्ड, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी ऐसा प्रिपेयर कीजिए. ओके, नाउ वन बिग फैक्टर हेयर इज कि आपको जो क्वेश्चंस पता नहीं है, रिफ्रेन फ्रॉम आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. जस्ट क्लियरली से कि सर मुझे नहीं पता, या मे बी आपको थोड़ा डाउट है तो जस्ट से कि सर मुझे आई हैव अ डाउट ऑन दिस, बट इज इट दिस थिंग, ऐसा करके आप बता सकते हैं. बट डोंट बी वेरी श्योर उसके, ऐसा बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वो मत बोलिए कि सर मुझे ये यही है तो यही है, ऐसा कुछ नहीं. अगर आपको नहीं पता है तो, अनलेस यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, तो रिफ्रेन फ्रॉम आंसरिंग. तो मैंने भी वही किया, मुझे जो क्वेश्चन नहीं पता थे तो मैंने सर को क्लियरली बोला कि सर आई डोंट नो अबाउट इट एंड आई फाइंड इट लेटर ऑन. ओके, नाउ जो क्वेश्चन बेसिकली थे, एज आई टोल्ड यू कि पी आई क्यू से ही रिलेटेड थे वो सारे, एंड जियो पॉलिटिकल इशूज़ काफ़ी पूछे गए थे मेरे से तब, क्योंकि वो ऑल टाइम ही पूछे जाते हैं आपको कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है अभी, है ना? तो जो आप जब भी एसएसबी जाओ तो मेक श्योर आपका ये जो एरिया है ना काफ़ी स्ट्रांग रहे, नॉलेज वाला एरिया. बिकॉज अगर आपका नॉलेज एरिया वीक होगा ना तो इट पुट्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन. एंड वन ऑफ माई मेजर रीज़न जो मैं पहले रिकमेंड नहीं हो रहा था, इट इज़ दिस थिंग ओनली, नॉलेज. क्योंकि मुझे पहले इतना नॉलेज नहीं था, मैं बोलता था अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो क्यों जाना है, वो आंसर मेरे पास नहीं था. अगर मेरे से कोई काउंटर क्वेश्चन करता था तो उस काउंटर का मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था. आई वॉज वेरी वीक इन करेंट अफेयर्स, मेरे को जियो पोलिटिकल कितनी समझ नहीं थी दैट टाइम. तो दीज वर द थिंग्स आई वर्कड अपॉन स्लोली एंड स्लोली, एंड उसके बाद मुझे एक ग्रिप मिला कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे पता है, मुझे अगर कोई पूछता है तो आई कैन एक्सप्लेन दम. तो आई वॉज आज दिस क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, द लेटेस्ट डील्स, स्पेशली इन द एयरक्राफ्ट सेक्शन, क्योंकि आप जो भी फोर्स के लिए जा रहे हैं आप स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर कीजिए. अबाउट आर्म्ड फोर्सेज इन जनरल, देयर रैंक स्ट्रक्चर, हायरार्की, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, कौन सा किस दिन पे डे सेलिब्रेट होता है, ऑपरेशंस डिफरेंट जो भी हैं. तो दीज ऑल थिंग्स यू शुड बी वेरी थरो अबाउट. अब बीच में एक आध होता है कि इट इज़ पॉसिबल कि आपको नहीं याद हो, बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन, कोई मशीन नहीं है यहाँ पे, तो वी आर बाउंड टू फॉरगेट थिंग्स. सो नाउ ऑल इन ऑल my interview was based on these things only, and it lasted about good 50 minutes, and it was very good according to me, because most of the questions I was able to answer them, and with proper justification also, which earlier I was not able to do. Okay, so these are the mistakes that I have made. So aap agar dekh rahe hain to isko thoda note kijiyega, aap bhi kya galti karte hain, aap just realize those things. And I was very confident that my interviewer will definitely clear me based on my performance that time. Now, as the interview got over by 12:30 PM तक हो गया था, तो we again planned to go outside, क्योंकि उस दिन भी कुछ काम था नहीं हमें, तो बस अब टेस्टिंग थी और घूमना था, यही था. एंड have fun that day. And हम लोग वापस गए, there is Irani cafe and all, तो we visited those places and you should explore more. तो we like that was the same thing what we were doing. And even while we were in the room in the night, in the night it used to happen, we discuss about everyone's lives, kaun kahan se aa raha hai, kaun kaisa hai, what were they doing in their life, what they aim to do, their experiences from line, their experiences from previous SSBs, kyunki kaafi maharti aaye the wahan pe, 13 attempt, 15 attempt wale. So we were just discussing each other's and sharing each other's experiences, and that was all in all very I would say very good environment, and it motivated all of us. कि काफ़ी बंदे ऐसे ऐसे आए थे जिन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, तो ये स्टोरी सुनने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं. एंड ओवरऑल इट टीचेस सो मच दैट दैट इट विल हेल्प इन लाइफ. ओके, नाउ कम्स द ग्रुप टेस्टिंग टेस्ट, GTO. एंड AFSB में इट स्टार्ट्स ऑन डे 4 एंड डे 5 ऑन
the conference day also. So on day 4, the GTO test began. आपको शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के जो भी है आपके व्हाइट ट्राउजर्स है एवरीथिंग व्हाइट आप पहन के ग्राउंड पे पहुंच जाते हो एंड वी वर टेकन टू अ डिस्कशन हॉल फॉर द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द डे दैट इज ग्रुप डिस्कशन क्योंकि पहला टेस्ट वही होता है तो आपके इसमें क्या होता है दो ग्रुप डिस्कशन कराते हैं आपको पता है आपको पहले वाले में चॉइस मिलती है दो में से कोई एक एंड सेकेंड वाला इज ऑफ हिज ओन चॉइस ऑफ द GTO तो आपको उसमें फिर आपको पॉइंट्स रखने पड़ते हैं और Now after we were briefed, the topic was given and topic मुझे as such remember नहीं है मुझे याद नहीं है but it was some geopolitical issue only and आपको यही मिलेगा geopolitical contemporary issues काफी है ना poverty in India ये वो super power and all तो यही काफी typical घुमा फिरा के यही आते हैं Now time given was 15 to 20 minutes for each discussion and it is more than enough I'll tell you क्योंकि 15 minutes में सब एक एक पॉइंट देंगे ना 50 अगर ग्रुप है 15 16 का ग्रुप है 10 15 का ग्रुप है तो आपको 10 15 पॉइंट्स तो वहीं से मिल जा रहे हैं And 15 minutes is more than enough for one to speak. Now he said ki now you may begin the discussion, I quickly initiated the discussion and gave a quick point there, which was an add-on I would say. क्योंकि अगर initiate करके आप अगर एक point दे पाते हो ना तो it is good. The GTO notices you. Now similarly I spoke 5 to 6 times in entire duration. All the time I was collecting the points and hearing out others also and praising Juska bhi point achha tha definitely and I gave facts and logical points and these are the things that the GTO is looking for the facts and the knowledge that you are having for that special topic and your behavior of course in group and all whether you are being dominating or not so don't be dominant and all wait for your turn just pitch in ki I have a point to make and then just quickly give it in 10 seconds probably 15 seconds and everyone will listen to you because if you go on extending all the thing nobody will hear you now while speaking I address the group members and confidently put forward the points and they actively listened also now after we were done of the group discussion both the group discussion I did the same thing so I have just compiled it in one this thing only now I'll come to group planning exercise we were given a problem where we had to work as a group and tackle the various problems that were mentioned. आपको पता होगा एक अलग अलग problem होती है कि you are a group of students, you're going to this place and all, you took a halt, somebody came, this told this thing कि आपको injure हो गया something like that. तो ऐसे जो problems होते हैं इनको आप tackle करना है as a group. Now what I did was group planning में I identified the objective, I set the priorities किसको कब attend करना है The resources that I used, गाड़ी यूज की क्या यूज किया पानी यूज किया दुकान से कुछ भी एंड मेंशन टाइम एंड डिस्टेंस कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा एंड बाय व्हाट टाइम विल बी एबल टू रीच एंड ऑल आई मेंशन ऑल दिस व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम लॉजिकली टाइम गिवन वाज 10 मिनट्स टू राइट एंड 15 मिनट्स टू डिस्कस तो 10 मिनट में एज आई प्रैक्टिस इन होम ओनली अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेट तो मैंने वो लिख दिया था टाइम में एंड 15 मिनट्स डिस्कशन इज अगेन मोर देन एनफ आई वुड से Now again during discussion, what I did was I initiated in every discussion whatever like happened and told about setting the priorities as per the problems given. So I quickly told you that this is so everyone agreed and we moved on from that thing to solving the problem. Now during entire discussion again I just spoke for 3 or 4 odd times just giving the logical solution as per my जो भी मुझे सही लगा using the least resource जो काम हो जाता quickly. And I was able to convince others too. So finally, some of my plans, जो भी हैं वहाँ पे, it was included in the main story. Some other gave their point. So it was all in all a combination of everyone's point, and that is what the GTO is looking for. And finally, we reached to conclusion, and one of us just summed up in all and just told the story to GTO, and he was impressed. So that was regarding the GP. Now I'll come to the progressive and half group task. And I'll quickly wrap up things because video bhi kaafi lambi ho gaya. So progressive and half group task mein ko pata hoga, there is a series of obstacles that you need to solve, the structures and move forward. And after all the talking, now it was time to prove on ground. Kyunki all the time we were just talking and sharing each other's points. So yehi ho raha tha. Baki ab ground mein physical up karna tha. So it started with PGT wherein 4 consecutive structures are solved. Hai na? तो पहले दो तो बहुत सिंपल होते हैं यू मस्ट बी नोइंग जिन्होंने भी पीजीटी किया है उनको पता होगा पहले दो स्ट्रक्चर दे आर वेरी इजी आप ब्रिज लगाओ फट्टा लगाओ जो भी है क्रॉस कर दो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है थर्ड वाले से ज्यादा एंड थर्ड वाला तो मतलब काफी टफ ही रहता है वैसे वो
तो टोटल टाइम वाज 40 मिनट्स टू सॉल्व। ठीक है, तो पहला दो तो हमने ब्लिंक ऑफ एन आई भी एक उसमें कर दिया हमने बिल्कुल। थर्ड स्ट्रक्चर पे एवरीवन स्टार्टेड गिविंग आइडियाज एंड इंप्लीमेंटिंग। अब दिक्कत यही होती है कि जब सब आइडियाज दे रहे हो, सभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो एक आइडिया किसी का वर्क ही नहीं करता, क्योंकि कोई किसी को करने नहीं देगा। ठीक है, एंड एवरीवन इज देयर टू गिव देयर ओन आइडिया। नाउ दिस इज टू बी रिफ्रेन। अगर किसी एक का काम कर जा रहा है तो मूव ऑन फॉरवर्ड, आप दूसरे का सोचो, दूसरा सामने स्ट्रक्चर उस पर आप सोचो, सो दैट उस पर जाके टाइम ना वेस्ट हो। तो ऐसा नहीं कि उसने कर दिया तो मेरे को भी ऐसा करना है, ये ईगो पे नहीं लेना ये। ठीक है, अगर उसने कर दिया तो वेरी गुड, प्रेज हिम फॉर दैट, एंड आप दूसरे का सोचो सामने वाले का, फिर दूसरा बंदा सामने का सोचेगा, और तो एक एक करके ऐसा करके एक हर एक जन अगर एक एक स्ट्रक्चर पे वो लगाएगा तो फिर हो जाएगा उससे। ठीक है, नाउ थर्ड स्ट्रक्चर पे हमारा क्या हुआ था कि एवरीवन स्टार्टेड गिविंग आइडियाज, बट हाउएवर द आइडियाज वर नॉट वर्किंग, मैं बोलूंगा या तो आइडियाज नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं हो रहा था जो प्लान क्या। तो आई पिच्ड इन वन आइडिया, मुझे लगा एंड आस्क्ड टू स्विच प्लेस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्विच प्लेसेस ऑल्सो, बिकॉज अगर आपको नहीं आ रहा है एंड इफ यू आर जस्ट स्टेइंग देयर डजंट मेक सेंस। आई जस्ट वेंट इन देयर एंड सॉल्व इट एंड इट गेव अ गुड बूस्ट टू मी, क्योंकि अचानक गया था एंड हो गया वो, है ना। नाउ सिमिलरली जो बाकी चार टास्क थे उसमें अगेन आई गेव आइडियाज एंड विद द हेल्प ऑफ अदर्स टू द आइडियाज वर वर्किंग एंड दस बी एबल टू सॉल्व इट एंड द GTO सेड ओके वेल डन। नाउ हाफ ग्रुप टास्क में क्या हुआ था कि एक सेकेंड, ओके। नाउ हाफ ग्रुप टास्क में द ग्रुप वॉज डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स बाय ऑड इवन चेस नंबर्स। तो ग्रुप को जो है डिवाइड कर लिया गया ऑड इवन चेस नंबर के अकॉर्डिंग एंड फिर हमें एक बाय एक एक ग्रुप को जो है ऑब्स्टिकल करने के लिए बुलाया गया। तो हाफ ग्रुप टास्क में भी आई पिच्ड इन आइडिया एंड हेल्प इन सॉल्विंग द स्ट्रक्चर्स एंड अदर्स मेंबर आल्सो कंट्रीब्यूटेड विद देयर आइडियाज एंड वो टास्क जल्दी से हमने क्विकली कर दिया। इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, हाफ ग्रुप टास्क एज सच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता एज सच PGT। तो दैट वॉज क्विकली डन। हमें जो है रिफ्रेशमेंट्स मिले इन द फॉर्म ऑफ मॉल्टेड मिल्क एंड पकौड़ाज देते हैं वो लोग एंड इट गिव अ बूस्ट ऑल्सो। तो दैट लाइक यहाँ पे हमारा HGT तक खत्म होता है। नाउ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स जो काफ़ी फिजिकल फिटनेस है ना शो करना चाहते हैं अपनी वहाँ पे, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर देम। तो GTO ब्रीफ्ड अस अबाउट द टास्क एंड वार्म्ड अस अप, क्योंकि अचानक से आप ऑब्स्टिकल करने जाओगे एंड यू माइट जस्ट गेट हर्ट, तो आपको वार्म अप करके फिर वो किया जाता है एंड ही गिव 1 मिनट टू हैव अ लुक ऑन द ऑब्स्टिकल्स एंड ही गिव 1 मिनट। तो वो 1 मिनट ऐसे ऐसे नहीं मिलते हैं, वो 1 मिनट टैक्टिकल के लिए उसके लिए दिए जाते हैं, क्योंकि ही वॉन्ट्स कि आप वो रूट सिलेक्ट करें, फिजिबल रूट देख लें कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है एंड ही वॉन्ट्स दैट आइडिया ओनली। ठीक है, तो 1 by 1 चेस नंबर्स वर कॉल्ड एंड गिवन 3 मिनट टू टैकल द ऑब्स्टिकल्स। तो आई प्लान द फिजिबल रूट उसी 1 मिनट में, कहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है एंड हाउ विल आई बी गोइंग, हाउ विल आई बी टेकिंग द रूट एंड आई डिड 8 ऑब्स्टिकल्स सक्सेसफुली। नाउ दिस वॉज अबाउट द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो ये खत्म हुआ तो कमांड टास्क हमारा आया एंड कमांड टास्क में आपको कमांडर बनाया जाता है एज यू नो एंड यू आर। तो कमांडर बनाने के बाद आपको सबॉर्डिनेट्स दिए जाते हैं टू टैकल द स्ट्रक्चर्स एंड आई वॉज कॉल्ड इन सेकेंड लास्ट पोजिशन यहाँ पे एंड द GTO इंटरेक्टेड विद मी, आस्क्ड अबाउट माई पर्टिकुलर्स कि मैं कहाँ से हूँ एंड ऑल यू नो। एंड आफ्टर दिस ये नॉर्मल डिस्कशन के बाद I called two of my subordinates and started solving the structure there. And within a minute, I solved it. But the GTO asked for another solution for it. तो जैसे ही मैंने मतलब जल्दी से कर दिया, solution दे दिया, तो GTO asked कि नहीं इससे नहीं होगा, तो आप कोई दूसरा solution बताओ। ठीक है, तो I gave him another solution. Now after giving another solution, he tried to create more pressure and he changed the color of the वहाँ पे जो रहता है ना stone का या platform का, ब्लू से रेड वाइट से ब्लू ऐसा कर दिया उसने। तो ही वॉज ट्राइंग टू पुट मोर प्रेशर बट मेरे को ये पता था कि दिस इज जस्ट टू यू नो GTO वाज जस्ट चेकिंग कि आप कैसा फेयर करते हो वहाँ पे। तो आई रिमेन काम देयर इन दैट सिचुएशन एंड गिव द लॉजिकल सोल्यूशन विद इन टाइम एंड वॉज एबल टू डू इट सक्सेसफुली। तो GTO वॉज सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस एंड मुझे भी जो लग रहा था ना अंदर से, एक बॉडी लैंग्वेज जो अंदर से एक गट फीलिंग में आती है कि आप हो सकते हो यू नो आफ्टर ऑल दिस आफ्टर यू हैव बीन परफॉर्मिंग, तो आपको वो अंदर से पता रहती है कि मैंने कैसे परफॉर्मेंस दी है एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि GTO माइट जस्ट रिकमेंड मी
मतलब जीटीओ की तरफ से, आई डिडंट न्यू द कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या होगा क्योंकि अभी वहाँ पे 3 ऑफिसर्स थे, तो जीटीओ मेरे को लग रहा था रिकमेंड कर देगा एंड इंटरव्यू का भी मेरे को सेम पता था, बट साइक का मुझे पता इसलिए नहीं था क्योंकि यू नेवर नो कि साइक एक्चुअली क्या कैसे उसको इंटरप्रेट करेगा, यू नो उसके लिए क्या वो है, तो यू नेवर नो। बट आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे आपने परफॉर्मेंस किया वहाँ पे ऑल द 5 डेज एंड नाउ यू कुड जस्ट होप फॉर द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट। नाउ फाइनल ग्रुप टास्क था फाइनल ऑफ द लॉट, ठीक है फाइनल एज अ नेम सजेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एंटायर ग्रुप जो भी आपको डिवाइड किया रहता है अभी तो आपको वापस से एक साथ कर दिया जाता है यहाँ पे मर्ज्ड एंड देन यू आर मेड टू सिंपल लाइक सॉल्व अ सिंपल वेरी सिंपल स्ट्रक्चर जो भी होता है, नाम का ही होता है वो तो सिर्फ आई गेस, बट वो स्ट्रक्चर भी हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया क्विकली से एंड फिर हमें वहाँ से बोला गया कि दिस इज द एंड ऑफ द टेस्टिंग एंड जीटीओ जो है उसके बाद फिर इन्होंने ये एक्सचेंज सम वर्ड्स, यू नो सम कैंडिडेट्स हैड डाउट तो उन्होंने वो क्लैरिफाई किया एंड द जीटीओ विश्ड अस बेस्ट ऑफ लक फॉर अ कॉन्फ्रेंस जो भी होता है एंड लाइक विश्ड अस कि डू वेल इन लाइफ एंड ऑल, तो ये सारे जीटीओ ही बोलते खैर, तो देट वॉज नथिंग न्यू फॉर मी बट इस बार मुझे एक अंदर से फीलिंग आ रही थी आई माइट जस्ट गेट रिकमेंड। नाउ कॉन्फ्रेंस द डी डे, अब क्योंकि ये डे 5 चल रहा था क्योंकि जीटीओ का जो डे 5 होता है ना AFSB में स्पेशली, तो डे 5 में ये मतलब आपके इंडिविजुअल कमांड टास्क ये करवाते हैं क्योंकि आर्मी में ये लोग पहले ही खत्म कर देते हैं डे 4 तक एंड कॉन्फ्रेंस के दिन कुछ नहीं होता, कॉन्फ्रेंस के दिन यू आर जस्ट लाइक देयर टू अपियर एंड ऑल। तो एज अ जीटीओ टेस्टिंग जस्ट गॉट ओवर ऑन द सेम डे ऑफ कॉन्फ्रेंस सम आवर्स अगो वी वर आस्ट टू रिपोर्ट क्विकली इन फॉर्मल्स फॉर कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ज्यादा टाइम था नहीं हमारे पास, ऑलमोस्ट 10-11 बज चुके थे एंड हमने जल्दी से फ्रेशन अप होके वहाँ पे रिपोर्ट किया एंड आफ्टर रिपोर्टिंग फॉर कॉन्फ्रेंस वन बाय वन चेस्ट नंबर वेंट इन एंड वेटेड एट द एंटी रूम टिल एवरीवन गॉट ओवर, तो एक कॉमन एंटी रूम है वहाँ पे, तो वहाँ पे सब एक के बाद एक जिनका हो रहा था दे आर जस्ट वेटिंग देयर एंड बिफोर कॉलिंग मी इन आई वॉज मेड टू सिट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम सेइंग दिस क्योंकि इतना वेट मेरे को कभी नहीं कराया किसी ने, अर्लियर अटेम्प्ट्स में हुए थे कि वेट किया था बट मैं इतना वेट कभी नहीं किया एंड देन आई वॉज कॉल्ड इन, तो इट वॉज थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में एक रहता है ना कि इतना वेट क्यों करा रहे हैं एंड ऑल, तो आपकी क्यूरियोसिटी वो डाउट्स आने लगते हैं एंड ऑल। तो आई ग्रीटेड द प्रेसिडेंट एंड सैट डाउन ऑन द चेयर गिवन, उन्होंने बोला बैठने के लिए आई सैट डाउन। ये आज में कपल ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है बिकॉज आई वॉज स्पोर्ट्स प्लेयर फुटबॉल प्लेयर, तो उन्होंने फुटबॉल उससे कुछ क्वेश्चन पूछे मेरे को रिलेटेड एंड आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज भी करने की कोशिश की वेदर आई चेंज माई आंसर और समथिंग लाइक दैट, तो मैंने नहीं किया बट वो आई रिमेंड फोकस्ड ऑन दैट थिंग ओनली एंड कॉन्फिडेंटली गिव द आंसर्स बिल्कुल, तो आई गेस वो था एक मतलब वो एक पॉजिटिव काम करके मेरे लिए एंड देन ही विश मी लक फॉर रिजल्ट्स एंड आई वेंट आउट एंड अगेन वेटेड इन द एंट्री रूम, और कुछ ही देर बाद सबका जब हो गया फाइनली आफ्टर एवरीवन्स डन वी वर मेड टू सिट इन द हॉल फॉर रिजल्ट अनाउंसमेंट, तो अब हमको वापस बुला लिया गया आफ्टर हाफ एन आवर प्रोबेबली इन द हॉल यू नो वेयर पीपीटी एंड टी एंड डी टी टेस्ट इज कंडक्टेड एंड ऑल, जो मेन हॉल है उनका वहां पे वो बुला लेते हैं। आफ्टर दिस द डीएसओ केम एंड बूस्टेड आवर मोरल्स, जो भी होता है नो यू दे गिव यू द सेम थिंग, आप सुन सुन के भी हो जाते हो कि अमिताभ बच्चन ने फेल किया एंड ऑल, बट सम टू सम एक्सटेंट अगर आप उनकी बातें वो लोगे ना तो आपको एक अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगी कि बिल्कुल ये पॉसिबल है, एवरी वन इज नॉट मेड फॉर डिफेंस एंड किसी की नहीं जो जिनका होता है, ठीक है दे आर प्रोबेबली यू नो दे हैव मच टफर लाइफ अहेड, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोज हु डिड नॉट मेड दे आर सुपीरियर एंड दोज हु मेड आर लाइक द वाइस वर्सा, जो जिन्होंने किया रिकमेंड होते हैं वो दे आर सुपीरियर टू अदर्स एंड ऑल, ऐसा कुछ भी वो नहीं है, इट इज जस्ट दैट योर एप्टीट्यूड एंड दिस थिंग मैचेस विद दैट लेवल आई गेस एंड अदर्स जिनका नहीं होता मे बी उनका बाहर आउटसाइड दैट उनका मे बी करियर ज्यादा ब्राइट है, तो इट इज जस्ट दैट थिंग, तो उन्होंने काफी अच्छे से हमें बोला एंड इट रियली बूस्टेड आवर मोरल्स दैट टाइम एंड वन वन बाय वन ही स्टार्टेड कॉलिंग आउट चेस्ट नंबर्स ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हु गॉट रिकमेंडेड एंड टोटल 5 ऑफ अस गॉट रिकमेंडेड द मोमेंट ही कॉल्ड आउट माई चेस्ट नंबर 44, द फर्स्ट वन वॉज 41 चेस्ट नंबर एंड माइन वॉज चेस्ट नंबर 44, आई वॉज नम फॉर फ्यू सेकेंड आई विल से लिटरली आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज, इट गिव्स मी गूज बम्स
I went into a flashback of my journey. You know, the first day that I decided to that I'll do this, I'll go into this thing. वहाँ से वो जर्नी जो स्टार्ट हुई मेरी फ्रॉम फेलियर्स यू नो सीइंग एवरीथिंग, तो लाइक वो एक जर्नी अलग ही होती है. ठीक है, दोज हु आर लेकिन हार्ड कोर रिपीटर्स एंड ऑल ना, उनको ये जर्नी और भी ज़्यादा उनको पता होगा कि हाउ इट इज टू यू नो स्ट्रगल एंड देन यू नो जस्ट गेट दैट थिंग, कि वहाँ पे जिस चीज़ के लिए आप रुके हुए हो वो चीज़ जब आपको मिलती है ना तो इट इज अलग फीलिंग होती है. ठीक है, तो जो मतलब जो ज्यादा फेलियर देख के सक्सेस मिलती है ना उसके लिए वो अलग ही फीलिंग है. बिकॉज आई कैन नॉट से कि जो पहले बार में रिकमेंड हो जाते हैं उनका कैसा है, डेफिनेटली उनको भी स्ट्रगल है, ऐसा कुछ नहीं है. बट ये जो फेलियर्स करके इतने बार इतनी रिपीटर्स मैंने देखे हैं, देर वॉज वन गाय विथ मी हु वॉज 15th अटेम्प्ट, आई जस्ट कुड आई लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको क्या फीलिंग हो रही होगी फिर. ठीक है, एंड आफ्टर सो मच हार्ड वर्क ऑन दैट वेरी डे आई लाइक हर्ड दैट थिंग जिसके लिए मैं काफ़ी सालों से वेट कर रहा था, वर्क हार्ड कर रहा था. द वर्ड रिकमेंडेड एंड लाइक आई गॉट रिकमेंडेड एंड आई वॉज ऑन क्लाउड 9 आई वुड से. ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट माई रिकमेंडेशन जर्नी. उसके बाद तो फिर हमें काफ़ी फॉर्म्स फिलअप कराया जाता है एंड ऑल. ठीक है, एंड उसके बाद फॉर्म फिलअप करके वी वर गिवन अ मेडिकल डेट. तो आई गॉट AFCB में दिल्ली फॉर माई मेडिकल टेस्टिंग. आई गॉट फिट ओवर देयर बट अनफॉर्चुनेटली आई वुड से मेरिट का जो सीन है अगेन गाइस, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल यू आर मेकिंग इट टू द अकेडमी ना, तो आपका ये सारा जो हार्डवर्क है ना मतलब एक उसमें चला जाता है एंड नथिंग एल्स. तो लाइक इट वॉज डिसहार्टनिंग टू नॉट सी माई नेम इन द मेरिट लिस्ट, बट अगेन दिस इज लाइफ. तो आई बाउंस बैक फ्रॉम दैट, आई अगेन गॉट रिकमेंडेड. एंड इफ यू गाइज वॉन्ट टू नो अबाउट माई दैट एक्सपीरियंस ऑफ माई सेकेंड रिकमेंडेशन, तो फील फ्री टू कमेंट डाउन. मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि हाउ आई गॉट रिकमेंडेड सेकेंड टाइम, उसमें क्या डिफरेंट था एंड ऑल. ठीक है, बट द वन थिंग आई विल से कि कीप वर्किंग हार्ड, डू नॉट गिव अप, हैव पेशेंस. ठीक है, दीज आर द ओनली मंत्रास, जो भी आप किसी से भी अगर पूछो ना तो यही मंत्रास आर, नथिंग एल्स कुड लाइक मेक यू अचीव सक्सेस इन लाइफ. तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड एंड टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा. ठीक है, तो विद दैट लाइक आई एंड दिस वीडियो एंड आई विद वेरी यू नो दिस थिंग आई थैंक यू दैट यू वॉच माई वीडियो एंड फॉर गिविंग यू सो मच अमाउंट ऑफ टाइम टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट. आई गेस आपको मिला होगा कुछ, यू मस्ट हैव गेन्ड इट यू नो. एंड इफ यू एंडेड अप एंजॉइंग द वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर करना थोड़ा सा एंड सब्सक्राइब भी करना, बिकॉज आई विल ब्रिंगिंग इन मोर न्यू कंटेंट. एंड शेयर तो बिल्कुल पक्का ही करना, क्योंकि देर आर अदर डिफेंस एस्पिरेंट्स ऑल्सो हु आर इन नीड एंड आई वॉन्ट टू स्प्रेड अमंग दोज कैंडिडेट्स की जिनको वो नहीं मिलता है ना. तो दैट इज माई मोटो हेयर. तो गाइज विद दैट बींग सेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, विल कैच अप इन वन मोर वीडियो. जय हिंद.